नमस्कार, मैं बात करने वाला हूं कर्नाटका क्राइसिस के बारे में। कर्नाटका क्राइसिस कैसे हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या है। पहले दिन जब कांग्रेस और जेडीएस ने डिसाइड किया कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तभी मैं समझ गया था कि ये सरकार जो है 5 साल नहीं टिकने वाली है। इसका कारण ये है कि कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के राइवल्स रह चुके हैं। जेडीएस ने जो अधिकतर सीटें जीती थी उसमें जो राइवल पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। दूसरी चीज, सिद्धरमैया ये चाहते थे कि सरकार गिरे, क्योंकि अगर ये सरकार गिर जाती है तो सिद्धरमैया वापस से कर्नाटका कांग्रेस के सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। अभी उनको पावर शेयर करनी पड़ती है डीके शिवकुमार और जीडी परमेश्वर के बीच में। तीसरा कारण, जब से सरकार बनी है तब से रामलिंगा रेड्डी जो बैंगलोर कांग्रेस के कद्दावर नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया है। उसके साथ में रामलिंगा रेड्डी का इतना प्रभाव था कि उन 3 और MLA को खींच आए। और एक और कारण इसका यह है कि जब से सरकार बनी है तो HD कुमारस्वामी के जो भाई हैं रेवन्ना, वो बैंगलोर के सब कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टेक होल्डर बन गए हैं और ये 4 स्टेक होल्डर अब नहीं है। तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था रिजाइन करने के अलावा। जारकीवाली ब्रदर्स की डीके शिव कुमार के साथ नहीं बनती है और डीके शिव कुमार ने लक्ष्मी हेबालकर को प्रमोट किया है, जिससे जारकीवाली ब्रदर्स ने भी अपॉर्चून टाइम देखते हुए रिजाइन कर दिया है। एमएलए नागेश एक अपॉर्चुनिस्ट एमएलए है, जब कांग्रेस की लग रहा था कि सरकार बना रही है तो कांग्रेस की तरफ चले गए, अब बीजेपी सरकार बना रही है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। इसके पीछे का मेन मैसेज क्या है? मेन मैसेज ये है कि जब भी विरोधाभास पार्टी साथ में मिलकर अलायंस बनाएंगी, भले जम्मू कश्मीर हुआ और इस वक्त कर्नाटका, तो वो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को ही सर्व कर पाएंगी, जनहित को नहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।